लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं जानता हूं पुत्र, आचार्य द्रोण की जिस उपेक्षा ने तुम्हें दुखी कर दिया, उस प्रकार के अपमान को मैं स्वयं भी सहन कर चुका। अभी तो तुम्हारे जीवन का आरंभ हुआ है पुत्र, तुम्हारे सामने इस प्रकार के प्रश्न निरंतर आते रहेंगे। मैंने तो आपसे आचार्य द्रोण के निर्णय की पूर्व घोषणा कर दी थी, मात्र आपका मान रखने के लिए उनके पास चला गया था। किंतु बापू, एक बात जानना चाहता हूं मैं, क्या सूत पुत्र को सम्मान का जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अधिकार होता पुत्र तो कुल गोत्र और जाति का प्रश्न नहीं पूछा जाता तुमसे। अधिकार होता तो आचार्य द्रोण से सीखने के लिए अनुनय विनय न करना पड़ता। वे यहां आते और तुम्हें दीक्षा देने के लिए स्वयं प्रस्ताव करते। आज समझ पाया हूं मैं राजपुत्र और सूत पुत्र के अंतर को, किंतु ऊंच और नीच कुल में जन्म का निर्णय तो ईश्वर ही करता है। उनके किए विभाजन को हम कैसे मिटा सकते हैं पुत्र? यह ऊंच नीच कुल और गोत्र का विभाजन ईश्वर की देन नहीं है बाबा। ये विभाजन मात्र कुछ लोगों ने अपनी प्रभुता सिद्ध करने के लिए किए। हम ईश्वर को दोष क्यों दें? तुम्हारा क्रोध देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है पुत्र। आज तक किसी सारथी पुत्र ने राजकुमारों के समान बनना या होने का स्वप्न भी नहीं देखा था। तुम्हारी इस आकांक्षा से मुझे हस्तिनापुर में उथल पुथल का भय लग रहा है। तो मैं क्या करूं बाबू? हस्तिनापुर राजकुल के उथल पुथल की आशंका से अपनी आकांक्षाओं का दमन कर दूं और जीवन भर अपमान और भेदभाव का विस्मरण करता रहूं? नहीं पुत्र, तुम अपना कार्य करते रहो, किंतु किसी के प्रति भी हिंसा की भावना का त्याग कर दो, क्योंकि हिंसा की भावना से मन का धैर्य समाप्त हो जाता है। आप उचित कह रहे हैं बापू, किंतु जिस प्रकार से मुझे अपमानित किया गया उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? आचार्य द्रोण तो मात्र परंपरा का पालन कर रहे हैं पुत्र। नहीं बापू, आचार्य द्रोण मात्र अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी बाध्यता को अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर गुरु का एक ही प्रिय शिष्य होता है जो उसकी कीर्ति को अमर करता है, और उनका प्रिय शिष्य है अर्जुन। इसलिए मैं आचार्य द्रोण को क्षमा करता हूँ, किंतु आपको तो प्रसन्न होना चाहिए बाबू कि राजकुमार दुर्योधन मेरा पक्ष ले रहे हैं। राजकुमार दुर्योधन का तुम्हारा पक्ष लेने के पीछे उनका पांडव से वैर भाव है पुत्र। कुछ भी हो बापू, किंतु राजकुमार दुर्योधन का मेरा पक्ष लेने के लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने मुझे उस समय बल दिया जब आचार्य द्रोण ने सबके समक्ष मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। पुत्र, कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमार दुर्योधन तुम्हें आगे करके अपना हित सिद्ध करने का प्रयास करे। यदि ऐसा हुआ भी बाबू तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आचार्य द्रोण अपने किसी एक शिष्य का पक्ष लेंगे और दूसरे के साथ भेदभाव का व्यवहार करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को उनके विरुद्ध खड़े होने का अधिकार है। फिर वो चाहे मैं हूं, चाहे राजकुमार दुर्योधन हो, अथवा धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों।